अभी मैं पहुंच गया हूँ हर की पौड़ी। हमारी बहन जी ने यहाँ मिल गई हमें। बहन जी बताओ क्या लगा रहे हो आप? टीका चंदन लगा रहे हैं। यहाँ पे नेचुरल जो केसरी मरहम होता है ये पेन किलर होता है, जो आपकी दर्द चोटें हैं उनको ठीक कर देगा। केसरी मरहम ये होता है यहाँ का, ये यहाँ का ब्रांडेड आइटम है। ये एक मल्लम जो है 120 प्रकार के दर्दों को खत्म करता है। अच्छा अच्छा, ये देखिए ना, ये आज तक में चल रहा है प्रोग्राम साथ। जीवों से क्या बात है गाइज, ये समुद्री जो जीव होते हैं उनके ये कवच होते हैं ना, ये कवच होते हैं। यहाँ पर जैसे कोई पैसे वैसे आते हैं, कुछ चांदी के सिक्के वगैरह, तो भाई यहाँ पे शीशे के द्वारा यहाँ निकालता है। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार जा रहे हैं एक्सप्लोर करने। बंद कर दे भाई, बंद कर दे। अभी हम गाइज हरिद्वार जा रहे हैं, आपने देखा डांस वांस किया है, तो अभी और मस्ती होने वाली है। हरिद्वार में हम हर की पौड़ी जा रहे हैं। ऑटो यहाँ हम नहीं मिलते, जहाँ मैं जिस एरिया में हूँ वो बहुत ही एक ग्रामीण इलाका है और वहाँ पर इतनी कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऑटो यहाँ मिल गया। ऑटो से जाते हैं सड़क पर, वहाँ से हम लेते हैं कोई कन्वेंस मिलेगा, वहाँ से हम हरिद्वार जाएंगे और फिर आपको हरिद्वार में एक्सप्लोर करेंगे। और मेरे साथ दो मेरे भाई हैं, विशाल भाई हैं। बताओ भाई, अब चलेंगे यहाँ से हरिद्वार, चलेंगे धीरे धीरे। बताओ कहाँ का घुमाने वाले हो? देखते हैं, हर की पौड़ी चलते हैं, उसके बाद चंडी देवी। और रॉकी जी भी हमारे साथ। रॉकी बहुत मज़ा आने वाला है। देखो अभी 12 बज चुके हैं, अब निकलते हुए जाएंगे हर की पौड़ी, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं, बताएंगे आपको पूरी वीडियो में। चलो भाई चलते हैं। और ये भाई जी हमारे साथ ऑटो के लिए सुबह 5 बजे ऑटो चला रहे हैं, थक गए। क्यों भाई, कितने बजे चला रहे हो भाई? 5 बजे। 5 बजे चला रहे हैं, चलते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ तो प्यार है और क्या है? पैसा नहीं है, पैसा क्या है? अच्छा प्यार होना चाहिए, विश्वास और प्यार। अच्छा चलो चलो चलते हैं गाइस यहाँ से। हाँ चलो गाइस चलते हैं यहाँ से और खेतों में से निकल के हम जाते हैं मेन रोड पे। गाइस अभी हम ज्वालापुर से आ गए हैं ललतारापुर, और ये है इसकी मार्केट। पीछे देख रहे हो आप, मार्केट पूरी है। और यहाँ से आपको ऑटो नहीं मिलेगा ऊपर जाने के लिए, हर की पौड़ी के लिए आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, है ना? कि ऑटो मिल जाएगा? नहीं नहीं, यहाँ से ऑटो नहीं मिलेगा, यहाँ से ऑटो वैन हो जाती है आगे के लिए। अच्छा, यहाँ से हर की पौड़ी 1 किलोमीटर आगे, हम यहाँ से पैदल जाएंगे। अच्छा अच्छा, पूरी स्पिरिचुअल प्लेस है, पूरी हमारी संस्कृति है हरिद्वार में। हर की पौड़ी में जो आते हैं, यहाँ स्नान करने के लोग आते हैं। और इसके बाद मनसा देवी, चंडी देवी जो है हमारे देवस्थान। और यहाँ पे कुंभ का मेला जो होता है, तो मेन स्थल हर की पौड़ी होता है। तो यहाँ पे जो भी है हमारे बाबा वगैरह जो भी होते हैं, वहाँ एकत्रित होते हैं, यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और अखाड़े वाले जो भी होते हैं, और यहाँ पे अच्छे सेलिब्रेट किया जाता है कुंभ का मेला। अभी हम आ गए हैं मोती बाजार, थोड़ा सा आगे है, और यहाँ पे जो केसरी बाम है यहाँ का, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत फेमस है, यहाँ पे नेचुरल जो केसरी मरहम होता है ये पेन किलर होता है, जो आपकी दर्द चोटें हैं उनको ठीक कर देगा। तो अंकल जी से बात करेंगे। नमस्कार अंकल जी, स्वागत है आपका। तो अंकल जी बताओ यहाँ पे क्या क्या क्यों आते हैं लोग यहाँ पे? केसरी मरहम है क्या चीज़? पेन केसरी मरहम ये होता है यहाँ का, ये यहाँ का ब्रांडेड आइटम है। ये एक मरहम जो है 120 प्रकार के दर्दों को खत्म करता है। अच्छा अच्छा, ये देखिए ना, ये आज तक में चल रहा है प्रोग्राम सारा, ये एजेंडा आज तक में ये केसरी मरहम में चल रहा है। अच्छा, इसमें क्या क्या कौन कौन से दर्द ठीक हो जाते हैं? ये कोई भी दर्द हो, ये शारीरिक कोई भी दर्द हो, शरीर का जोड़ों का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, पीठ का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, कोई भी दर्द हो। अच्छा, तो आयुर्वेद के जो 80 प्रकार के जो दर्द होते हैं शरीर में, वायु बात रहो, वो सबको निदान करता है, खत्म करता है। अच्छा अच्छा, दिखाओगे कुछ, एक बार सैंपल दिखाओगे कुछ? ये देखो गाइस, ये है केसरी मरहम। ये एक नेचुरल थेरेपी होती है जो आपके सारा सर दर्द वगैरह सब मांसपेशियाँ सब ठीक कर देगा। सब सो गाइस, ये जो है सब दर्द आपके ठीक कर देगा। सर दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, स्लिप डिस्क भी ठीक कर देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सब नेचुरल है। ये और कितने का ये 260 का। ठीक है ठीक है ठीक है। इसी का ये तेल भी आया है। अच्छा, ये तेल भी है, केसरी तेलम। ये कितने का? वही सेम रेट, ये वो सेम रेट है। ठीक है ठीक है। और यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट भी चलता है पंचकर्मा वगैरह? तो गाइस यहाँ पे देखो ऐसी दुकान है ये, और इस दुकान का नाम क्या है अंकल जी? सी हासाराम एंड सन्स। तो यहाँ पे अभी आ सकते हो, ये देखो सारे यहाँ पे आपको बहुत फेमस है यहाँ पर केसरी मरम, चोटों के लिए यहाँ पे कोई भी आपको दर्द हो तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। सो गाइस मैं ये ले रहा हूँ। अंकल जी कह रहे हैं कि मेरे भी थोड़ा मसल पेन होता है, मैंने आपको बताया था जो मेरे शोल्डर में होता है मसल पेन वगैरह, तो इससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा नहीं पूरा मिलेगा, पूरा ठीक हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे शिलाजीत भी है, तो ये देखो पहाड़ों की, अंकल नेचुरल है ना? बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल हमारे यहाँ गलत चीज़ कोई होती नहीं। वो तो पता लगता था, धागा बन जाता है ना उसका, टूटता नहीं है वो, है ना? ठीक है, शिलाजीत वगैरह मिल जाएगी, तो मैं ये ले रहा हूँ और ये काम आएगा मेरे मसल पेन के। तो अंकल कैसे लगाना है इसको? 5 से 6 बूंद हाथ में लिए, हाँ। और मल के 2 मिनट मलना है इसको। अच्छा अच्छा, बस खत्म, गर्द दर्द की गारंटी हमारी। अच्छा, अंकल की फ़ोटो भी लगी हुई है इस पर, ये देखो अंकल ये रहे, और ये देखो फ़ोटो। ठीक है, चश्मा हट गया अंकल। ठीक है अंकल जी, ये ले लेता हूँ मैं। गाइस ये मैं नंबर डाल रहा हूँ उनका, ये इनका नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं स्क्रीन में भी डाल दूँगा। और अपनी बीमारियाँ यहाँ दूर कर सकते हैं, अंकल जी यहाँ पर है और ये आप पूरी हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे कैसे करना है। अंकल जी क्या परहेज है? चावल दही और लस्सी। अच्छा, चावल दही और लस्सी नहीं खाना, ठंडी चीज़। अच्छा, ये नहीं खाना है। आपको शंख वगैरह भी मिल जाएंगे, ये देखो भगवती सी सेल गिफ्ट सेंटर में। ये देखो ये जो समुद्री जीव होते हैं उनसे बनते हैं, ये देखो कितने सारे टाइप के यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये देखो ये है, और ये देखो ये है, तो ये देखो शंख ही शंख मिल जाएंगे आपको। ये देखो, तो भैया से बात करेंगे यहाँ पर। भैया जी नमस्कार। हाँ भैया बताओ, आप बताओ कैसे शंख है, किस टाइप के हैं, क्या प्राइस है? सर ये आगे वाला 120 रुपये स्टार्टिंग है। अच्छा, वो आगे 120 रुपये वाले हैं सारे। अच्छा, ये अलग नस्ल है, प्रकृति है। ये क्या किससे बनते? पत्थरों से बनते? नहीं, सब समुद्र से निकलते हैं, समुद्री जीवों से। क्या बात है गाइस, ये समुद्री जो जीव होते हैं उनके ये कवच होते हैं ना? ये उनके कवच होते हैं, जो समुद्री जीव होते हैं, जो शेल्स होती हैं उनकी, ये होती है शेल्स, तो उनसे बनते हैं ये। उनको ये पूजा में भी बढ़िया होते हैं, और पूजा में हार्ट के लिए और बढ़िया होते हैं इनको बजाना। अच्छा, हार्ट के लिए कैसे सही होते हैं? हार्ट के लिए इनको जितना बजाओ उतना अच्छा होता है। अच्छा, उस बताओ तो जो है अलग नस्ल होती है। जैसे कि आपने किसी का आपने कवच निकाला, किसी जीव का, समुद्री जीव का, तो इसमें क्या आप उसको ठीक इसको फिर कुछ करते हैं मशीन से? ठीक भी करते हो? सफाई होती है खाली, बस सफाई होती है और शंख बजता है। सो गाइस ये देखो समुद्री जीव का कहाँ मिलेगा आपको? सिर्फ हरिद्वार में मिलेगा आपको। ये भी मिल जाएगा, ये बड़ा खतरनाक है भाई, ये भी उनके समुद्री जीव से ही है, ये भी समुद्री जीव से बना हुआ है। और बताओ भैया, अच्छा सर, ये बहुत ही खतरनाक है, और ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने बनाया है ना, बढ़िया तरीके से, मुंह खुला हुआ है, बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट है ये, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपको सारे शंखों में मिल जाएंगे। भाई जी नाम क्या है आपका? विनोद सिंह। विनोद सिंह। और स्टार्टिंग कितने से है शंख की? स्टार्टिंग सर 120 रुपये है, और 160 है, उससे ऊपर जितना बड़ा साइज लोगे उतना बड़ा। और शीशे वगैरह मिल जाएंगे ना? पत्थरों के शीशे हैं ये? नहीं, सब शंखों के शीशे मिल जाएंगे आपको, और काफ़ी चीज़ें हैं शंखों से बनी हुई है ये, वो पूरा मिल जाएगी। तो आप दुकान का नाम बता दो। भगवती सी सेल गिफ्ट सेंटर, अपर रोड, हरिद्वार। अभी मैं पहुंच गया हूं हर की पौड़ी, आप देख लो नज़ारा, ये देखो पूरा मेरे पीछे हर की पौड़ी है, और यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। ये देखो लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। हम यहाँ पर सामान वगैरह नहीं लेके आए थे, तौलिया वोलिया कुछ लेके नहीं आए थे, तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत जो भी है स्नान कर लेंगे, और फिर आगे आपको दिखाता हूँ कैसा है। इसमें लगा दो। तो ये हमारी बहन जी ने यहाँ मिल गई हमें। बहन जी बताओ क्या लगा रहे हो आप टीका? चंदन लगा रहे हैं। चंदन का टीका लग रहा है बहन जी लगा रहे हैं। और लगाओ बहन जी तो लगाओ और बाबा बना दो इसको। हर हर महादेव। फूल वगैरह मिल जाएंगे भाई, कितने का है? 20 रुपए। 20 रुपए का आपको ये फूल मिल जाएगा। ये क्या है? गंगा जल ले जाने के लिए यहाँ पे डब्बे मिल जाएंगे। कितने के हैं? 20 रुपए। ये 20 रुपए के आपको मिल जाएंगे डब्बे ये सब। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। हाँ भाई, कैसा लग रहा है भाई? भाई क्या बताऊँ, कोई जवाब नहीं मेरे पास। इतनी पवित्र जगह है, पूरा माइंड ही पवित्र होगा भाई, पूरा फुल फ्रेश है। सो गाइस, यहाँ पे जब गंगा थे तो ये देखो भाई लोग, भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कोई पैसे वैसे आते हैं, कुछ चांदी के सिक्के वगैरह, तो भाई यहाँ पे शीशे के द्वारा यहाँ निकालता है। दिखा शीशे, दिखा भाई, ये शीशा है, इसके थ्रू जो भी पैसे वैसे चढ़ाते हैं तो भाई लोगों के काम आ जाते हैं यहाँ पर। ये ऐसे करके यहाँ पर भाई दिन में कितने निकाल देते हो? निकाल लेते हैं 400-500। 400-500 निकाल लेते हैं भाई सिक्के दिन के। तो गाइस दोस्तों, यहाँ पे हर की पौड़ी में आके जो आत्मा है ना, तृप्त होगी बिल्कुल, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड है यहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा है। और मतलब बिल्कुल आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी आपकी यहाँ पर। रॉकी मेरे साथ है, रॉकी बताएगा। अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है यहाँ पर, है ना। कुंभ के मेले में आ रखे हैं अभी, हल्का फुल्का स्नान कर लिया है, पानी छिड़क लिया है चेहरे में, क्योंकि हम सामान लेके नहीं आए। तो हर की पौड़ी ज़रूर आओ। हरिद्वार हमारी संस्कृति है, हमारे देवता हैं, हमारे भगवान हैं यहाँ पर, और जो भी हमारी संस्कृति है उसको आप देखो और पीस ऑफ माइंड मिलेगा पूरा आपको। तो एक बार ज़रूर आना, मेरे कहने पे आप ज़रूर आओ यहाँ पर। और बहुत अभी भीड़ है, लेकिन आज सैटरडे तभी भीड़ है भाई। सैटरडे संडे यहाँ थोड़ी भीड़ होती है, तो मंडे ट्यूसडे आओ तो थोड़ा कम भीड़ मिलेगी, लेकिन आत्मा आपकी तृप्त हो जाएगी बिल्कुल। तो गाइस, यहाँ पे हम छोटेवाला में आ गए हैं, वहाँ पे आ गए हैं कुछ खाने। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है खाने को। तो काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हैं, और ये हमारे भाई जी, और ये हमारा खूंखार शिकारी मित्र, ये देखो ये आज सारा खा जाएगा यहाँ पर, जितना भी होगा खाना ये खाएगा आज। देखते हैं क्या खाना। फेमस कचौड़ी है यहाँ की, फेमस कचौड़ी। कचौड़ी के अलावा भी कुछ मतलब पूछ लेंगे ना यहाँ पर क्या क्या, हमें पता नहीं क्या क्या। अभी मेनू देखते हैं क्या मंगाना है। भाई के मुंह में देखो पानी, देखो लाट टपक रही भाई के। अब चोटीवाला के भटूरे भी खा लिए हैं, काफ़ी अच्छे थे लेकिन थोड़े महंगे थे। और कितने का था भैया भटूरा? 380 के एक। कितने का था? 80 रुपये का। कितने? 80 रुपये की एक प्लेट थी। और ये मैंने आपको दिखा दिया है कि हर की पौड़ी कैसा है, यहाँ पे क्या है। तो काफ़ी अच्छा लगा, और आपको भी अच्छा लगा होप करता हूँ। और आप करना क्या है आपको, अब आपको करना क्या है? बस आपको यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे भी मैं ब्लॉग्स लेके आता रहूँगा, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स वगैरह, और अच्छी जगह के ब्लॉग्स बनाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे ब्लॉग की। और अब मुझे इजाज़त देना, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको मिलता हूँ। Stay healthy, stay positive, and make it better by yourself. I am signing off.